हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्लास सिक्स साइंस चैप्टर फोर गेटिंग टू नो प्लांट्स इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट दैम इन योर नोटबुक यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको आपको राइट करके अपने नोटबुक में लिखना है ये आपके जो स्टेटमेंट्स हैं ये रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं जैसे फर्स्ट स्टेम स्टेम एब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल स्टेम वाटर और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्व करता है सो इट इज़ रॉन्ग करेक्ट आंसर इज रूट यहाँ पे आपको स्टेम की जगह पे क्या करना है रूट राइट करना है रूट्स एब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल सेकेंड स्टेटमेंट लीब्स होल्ड द प्लांट अपराइट इट इज ऑल्सो रोंग क्योंकि लीब्स प्लांट को अपराइट नहीं करती है स्टेम करता है सो आंसर इज स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट इसमें आपको लीब्स की जगह पर स्टेम राइट करना है लीब्स इज रोंग ओके नाओ थर्ड रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीब्स रूट वाटर को कंडक्ट करती है लीब्स की ओर इट इज ऑल्सो रॉन्ग इसमें आएगा करेक्ट आंसर स्टेम इसमें आपको रूट्स की जगह पे स्टेम राइट right करना है स्टेम कंडक्ट वाटर टू द लीव्स स्टेम वाटर को कंडक्ट करता है लीव्स की ओर नाउ नेक्स्ट फोर्थ नंबर द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल एक फ्लावर में पेटल्स और सेप्पल्स इक्वल होते हैं बराबर होते हैं सो इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि सेपल्स और पेटल्स डिफरेंट होते हैं ओके okay, तो करेक्ट आंसर में आप क्या लिखेंगे द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर मे नॉट ऑलवेज बी इक्वल मीन्स ये कभी कभी इक्वल भी होते हैं और कभी कभी इक्वल नहीं होते हैं नाउ नेक्स्ट फाइव नंबर इफ द सेप्पल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर अगर एक फ्लावर के सेपल्स ज्वाइंट हैं एक साथ इट्स पैटल्स आर ऑल्सो ज्वाइंट टूगेदर तो उसके पैटल्स भी एक साथ ज्वाइंट रहेंगे दिस स्टेटमेंट ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि अगर उसके सेप्पल्स जॉइंट हैं तो जरूरी नहीं है कि उसके पैटल्स भी ज्वाइंट हों कभी कभी पैटल्स ज्वाइंट भी होते हैं और कभी कभी नहीं भी होते हैं तो आंसर में क्या राइट करोगे इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइन टूगेदर इट्स पेटल्स आर सेपरेट एंड नॉट ज्वाइंट टूगेदर नाउ नेक्स्ट इफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइन टुगेदर अगर एक फ्लावर के पेटल्स ज्वाइंट हैं देन द पिस्टल इज ज्वाइन टू द पेटल्स तो उसके जो पेटल्स हैं वो पिस्टल पर ज्वाइंट होंगे

ड्रॉ अ लीफ अ टैपरूट एंड अ फ्लावर सो फर्स्ट इज लीफ डाइग्राम ड्रॉ करने के साथ ही आपको इसके डिफरेंट पार्ट्स के नेम राइट करना है सो फर्स्ट पार्ट इज पेटिड द पार्ट ऑफ अ लीफ बाइबिट्स इट इज अटैच टू द स्टेम वो पार्ट जो स्टेम से अटैच होता है ये लीफ का पार्ट है ये स्टेम से अटैच हुआ है इसको हमने क्या कहा पेटियोल

इन द लीफ इज कॉल्ड बेन्स ये जो थे आपको दिख रही है इन लाइन्स को हमने बेंस कहा जाता है एंड द सेकेंड डाइग्राम इज रूट टैपरूट ये हमारी टैपरूट है एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टैपरूट सो फर्स्ट ज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रूट एंड द साइड रूट्स ये जो साइड रूट्स इससे निकलती हैं मेन रूट से इन रूट्स को लेटरल रूट्स कहते हैं एंड ये लेटरल रूट्स में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है लाइक like दिस इसको रूट हेयर्स कहा गया है एंड दिस इज रूट टिप एंड रूट कैप

एंड द ग्रीम कलर पार्ट इज कॉल्ड स्टेमन एंड इस्टेमन में ऊपर एक वैक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको हम एंथर्स कहते हैं ओके एंड द ग्रीन कलर पार्ट ग्रीन ब्रॉड पार्ट जहाँ से इस्टेम्स निकलते हैं इस पार्ट को पिस्टिल कहा गया है Now next question number three, can you find a plant in your house or in your neighborhood which has a long but वीक stem? एक ऐसा प्लांट जो आपके घर में हो या नेबरहुड में जिसका स्टेम बहुत वीक हो बट लॉन्ग हो राइट इट्स नेम उसका नाम लिखना है एंड इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस इट और ये किस कैटेगरी में आता है जैसे मैंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बताया था हर्व स्रव ट्रीज क्लाइंबर एंड क्रीपर इनमें से ये किस कैटेगरी का प्लांट है सो आई फाउंड अ प्लांट लॉकी ओके इन अवर होम सो यस आंसर इज यस लॉकी लॉकी जिसको हम गॉड भी कहते हैं प्लांट नीड सपोर्ट इस प्लांट को सपोर्ट की आवश्यकता होती है इट इज क्लाइंबर ये क्लाइंबर है ओके नाउ नेक्स्ट व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ स्टेम स्टेम के क्या फंक्शन है वो आपको राइट करना है सो फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ अ स्टेम फर्स्ट स्टेम्स होल्ड द प्लांट अपराइट स्टेम प्लांट को अपराइट होल्ड करता है स्टेम कंडक्ट वाटर वाटर को कंडक्ट करता है टू द लीव्स, लीव्स की ओर एंड स्टेम कंडक्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट स्टेम फूड को भी कंडक्ट करता है लीफ से डिफरेंट पार्ट्स की ओर प्लांट के डिफरेंट पार्ट ये मैंने आपको बताया था कि स्टेम में टू टिश्यूज होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम तो जाइलम वाटर को कंडक्ट करता है रूट uh, से डिफरेंट पार्ट्स को ओके एंड फ्लोएम फूड को कंडक्ट करता है लीफ से चूँकि लीफ फूड बनाती है तो लीफ से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वैनेशन व्हीट तुलसी मेज ग्रास कोरियनडर धनिया कॉरियडर को ही धनिया कहते हैं एंड चाइना रोज अब इसमें आपको लीफ को देखकर ये डिफरेंट लीव्स हैं इन लीब्स को देखकर कर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी लीब्स में रेटिकुलेट वैनेशन होता है सो आंसर इज तुलसी, चाइना रोज कोरिएंडर, ये जो थ्री लीव्स हैं तुलसी चाइना रोज एंड कोरिएंडर, इनमें रेटिकुलेट वैनिशन होता है एंड मेज ग्रास ये टू टाइप्स ऑफ लीव्स हैं मेज एंड ग्रास इनमें पैरेलल वैनिशन होता है जैसा कि मैंने बताया था वैनिशन आर टू टाइप्स रेटिकुलेट एंड पैरालल इनकी लिब्स को ही देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन सी लीब्स में किस तरह का वेनेशन होता है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट्स यदि प्लांट में फाइब्रस रूट्स हैं तो व्हाट टाइप ऑफ वैनिसन डू इट्स लीव्स में किस तरह का वेनेशन होगा ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मैंने बताया था कि आप लीब्स को देख के और रूट्स का पता कर सकते हो कि किस तरह का किस तरह की लीव्स लीव्स में किस तरह का वेनेशन होगा और लीव्स को देख के आप रूट को पता कर सकते हो तो इसमें पूछा गया है कि अब प्लांट हैज एक प्लांट में जिसमें फाइब्रस रूट होती हैं तो किस तरह का वेनेशन होगा सो आंसर इज इफ आ प्लांट हैज अ फाइब्रस रूट इट्स लीव्स है पैरेलल वेनेशन स जिस प्लांट की रूट फाइब्रस होती हैं उनकी लीव्स में पैरल वेनेशन होता है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन इफ अ प्लांट हैज़ लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन अगर उस प्लांट की लीव्स रेटिकुलेट वेनेशन है उनकी लीव्स में तो व्हाट काइंड ऑफ रूट्स बेलेट है तो उसकी रूट्स कैसी होंगी तो इसी के अपोजिट जो आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स था इसका आंसर आपको देना है इफ अ प्लांट हैज लिब्ज विथ रेटिकुलेट वेनेशन इट विल हैव अ टैप रूट अगर लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन है तो उसकी रूट uh, कैसी होगी टैप रूट होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट is it possible for you to find out whether a plant has tap root or fibrous roots by looking at the impression of its leaf on a sheet of paper ye activity maine aapko batayi thi ki uh, aapko एक पेपर की सीट पर लीफ का इम्प्रेशन लेना है पेंसिल को रफ करके तो लीफ के इम्प्रेशन आ जाएंगे उस पेपर की सीट पर तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि उस पेपर की सीट पर जो इम्प्रेशन आते हैं उसको देखकर आप पहचान सकते हो कि उन उस लीफ में टैप रूट है या फाइब्रस रूट है सो आंसर इज यस इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड वेदर अ प्लांट हैज्रूट और फाइब्रस रूट बाय लुकिंग एट द इम्प्रेशन ऑफ its लीव्स ऑन अ सीट ऑफ पेपर हम उस लीफ के इम्प्रेशन देख के ये पहचान सकते हैं कि उस लीफ में रूट है या फाइब्रस रूट है उस प्लांट में रूट है या फाइब्रस रूट है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन व्हाट आर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से हैं सो फर्स्ट पार्ट इज सेप्पल जो ग्रीन कलर के होते हैं एंड पैटल्स जो कलरफुल होते हैं द कलरफुल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पैटल्स एंड स्टेमन एंड पिस्टल पिस्टिल एक ब्रॉड पार्ट होता है नीचे फ्लावर के सेप्पल से लगा हुआ और इससे स्टेमन निकलते हैं तो ये फोर मेन पार्ट्स हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स यहाँ पर कुछ प्लांट्स के नेम दिए हैं विच ऑफ दैम है फ्लावर इनमें इनको देख के आपको बताना है कि किनमें फ्लावर्स होते हैं ग्रास मेज व्हीट चिली टमाटो तुलसी पीपल सीशम बैन मैंगो जामुन गुआबा पॉमग्रेनेट पपाया बनाना लेमन सुगर केन पटेटो एंड ग्राउंडनट सो आंसर इज द प्लांट्स विच हैव फ्लावर्स आर फो प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स होते हैं ग्रास मेज व्हीट चिली टमाटो तुलसी पीपल सीसम बैन जो बैनियन प्लांट है फ्लावर्स लाई इन साइड इट्स फ्रूट फ्रूट के अंदर ही फ्लावर होता है मैंगो जामुन गुआबा पॉमग्रेनेट पपाया एंड बनाना लेमन सुगर केन पटेटो एंड ग्राउंडनट ये वो सारे प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर्स होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन नेम द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट विच प्रोड्यूज फूड नेम द प्रोसेस प्लांट के उस पार्ट का नेम राइट करना है जो फूड को प्रोड्यूस करता है मीन फूड बनाता है एंड नेम द प्रोसेस और वो पार्ट किस प्रोसेस के द्वारा फूड बनाता है सो आंसर इज लिव लीब्स प्रोड्यूस फूड थ्रो अ प्रोसेस किस प्रोसेस के द्वारा बनाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा लीब्ज फूड प्रिपेयर करता है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर विल यू फाइंड दी फ्लावर के किस पार्ट में ओवरी पाई जाती है सो आंसर द ओवरी इज फाउंड इन द लोअर मोस्ट सबसे नीचे पार्ट में लोअर मोस्ट एंड द मोस्ट शॉलून पार्ट जिसको हम पिस्टिल कहते हैं पिस्टिल वो पार्ट है जो सबसे नीचे होता है swollen होता है थोड़ा सा फूला हुआ सा होता है और उसी पार्ट में ओवरी पाई जाती है ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन नेम टू प्लांट्स इन विच वन हैज ज्वाइंट सेप्पल्स एंड द अदर हैज सेपरेट सेप्पल्स मीन्स आपको टू प्लांट्स के नेम राइट करना है जिनमें ज्वाइंट सेप्पल्स होते हैं और अदर सेपरेट सेप्पल्स होते हैं मीन्स टू 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 प्लांट्स के नेम राइट करना है सो फर्स्ट आंसर प्लांट विथ ज्वाइंट से किस प्लांट में ज्वाइंट सेप्पल्स होते हैं धतूरा एंड कॉटन एंड प्लांट्स विथ सेपरेट सेपल्स रोज एंड लोटस नाउ योर एक्सरसाइज कंप्लीटेड